हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मेरा नाम है ऋतिक, आप देख रहे हो ऋतिक टेक्निकल सपोर्ट। तो मैं आप लोग इस वीडियो में बताने वाला हूँ ओप्पो के पावर बटन की कुछ हिडन स्कूपिया सेटिंग्स के बारे में, जो कि शायद आप लोग को नहीं पता है और ना ही यूट्यूब पे इससे पहले वीडियो कभी अपलोड यहाँ पे हुई है। तो किसी को ये पावर बटन की कुछ खुफिया सेटिंग्स के बारे में नहीं पता है, बट मैं आप लोग को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये वीडियो होने वाली, तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले बता दें दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ रेड के बटन दबा के हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दो। नंबर गल में बेल आइकन ना भूले, एंड वीडियो पसंद आए लाइक करना भूले और शेयर करना भी ना भूले। तो चलिए बात करते हैं टॉपिक की। तो सबसे पहले मैं आप लोग को सेटिंग्स के बारे में बता दूं, जो कि है हिडन कैमरा के बारे में। ओके फ्रेंड, ये आप लोगों को पता होगा बट बहुत लोगों को पता नहीं होगा। तो उसके लिए करना क्या पड़ेगा, आप लोग सबसे पहले अपने फ़ोन के यहाँ पे सेटिंग ओपन कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने सेटिंग ओपन कर लिया हूँ। उसके बाद आप लोग करना क्या पड़ेगा, आप लोग को थोड़ा सा नीचे आना है और आप लोग को दिख रहा होगा यहाँ पे कैमरा का ऑप्शन। ओके फ्रेंड, मैं कैमरे वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा। आप लोग को फर्स्ट वाला जो ऑप्शन होता है रैपिड शूटिंग फंक्शन वाला, इसे आप लोग अनेबल कर दीजिएगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे इसमें अब होगा क्या। इसमें क्या होगा कि जब भी आप लोग का फ़ोन अगर ऑफ़ भी है, आप लोग के फ़ोन का पावर बटन जो है ऑफ़ भी रहेगा, और आप लोग अगर इस फंक्शन को ऑन कर देते तो आप लोग जो है ऑफ़ फ़ोन में भी यहाँ पे जो है अगर आप लोग वॉल्यूम की बटन यहाँ पे प्रेस भी करेंगे तो आप लोग के फ़ोन में ऑटोमेटिकली फ़ोटो आ जाएगी और ये किसी को पता भी नहीं चलेगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन फीचर इसमें से। और एक फीचर्स के बारे में बता, जो कि सबसे ज़्यादा मेन फीचर है, ये शायद आप लोग को यहाँ पे नहीं पता होगा। तो उस फीचर का नाम मैं बता दूँ मैं आप लोग को। उस फीचर के लिए आप लोग करना क्या पड़ेगा, आप लोग जैसे मैं यहाँ पे सेटिंग ओपन कर लेता हूँ। ओके फ्रेंड, अब मुझे करना क्या है, मुझे पावर बटन प्रेस करना है और वॉल्यूम का अप बटन प्रेस करना है। ओके फ्रेंड, मैं यहाँ पे कर लेता हूँ इसे। तो जैसे मैंने यहाँ पे जो यहाँ पे कर लिया हूँ, यहाँ पे आप लोग जैसे साइड में हमें तीन ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। फर्स्ट वाला ऑप्शन स्क्रीनशॉट एरिया, सेकंड है नेक्स्ट पेज और तीसरा है सेव। ओके फ्रेंड, आप लोग को मैं बता दूँ फर्स्ट वाला ऑप्शन काफ़ी बेहतरीन है, यहाँ पे लिखा आता है स्क्रीनशॉट एरिया। मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आप लोग को देखने को मिल जाएगा स्क्रीनशॉट एरिया, मतलब आप लोग कितना स्क्रीनशॉट यहाँ पे अपने फ़ोन में लेना चाहते हैं ये सब आप लोग अपने हिसाब से यहाँ पे क्रॉप कर सकते हैं। ओके फ्रेंड, यहाँ पे मैंने जैसे मान के चलिए मैंने इतना लिया और सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करूँगा, यहाँ पे इतना ही मेरा स्क्रीनशॉट यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद मैं दिखा दूँ सेकेंड वाला ऑप्शन जो कि नेक्स्ट पेज वाला, इसमें मैं क्लिक करूँगा तो वो जो मेरा फर्स्ट वाला पेज का जो स्क्रीनशॉट था वो आ चुका है मैं नेक्स्ट पेज यहाँ पे जो है। मतलब इसमें क्या हुआ कि आप लोग एक बहुत लंबी लिस्ट जो यहाँ पे स्क्रीनशॉट यहाँ पे कर सकते हैं, मतलब एक ही फ़ोटो में आप लोग यहाँ पे जो पूरा लिस्ट यहाँ पे तैयार कर सकते हैं, जो काफ़ी अच्छी बात है। और थर्ड वाला ऑप्शन जो है सेव वाला, इस पर आप लोग एक ही स्क्रीनशॉट यहाँ पे ले सकते हैं। मुझे सबसे ज़्यादा बेहतरीन लगा इसका फर्स्ट वाला ऑप्शन जो कि स्क्रीनशॉट एरिया, और सेकेंड वाला ऑप्शन लगा इसका नेक्स्ट पेज, मतलब इसमें आप लोग जो है एक ही फ़ोटो में पूरा पेज यहाँ पे जो स्क्रीनशॉट यहाँ पे कैप्चर यहाँ पे कर सकते। इसमें क्या होगा कि आप लोग के फ़ोन का स्टोरेज भी काफ़ी बेहतरीन यहाँ पे चलेगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग वीडियो पसंद आई, वीडियो पसंद प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और जोड़े जोड़े कमेंट करना भूलें। मैं इस वीडियो बना के आपकी डाउट क्लियर कर दूँगा। धन्यवाद दोस्तों, जय माता दी।